मान लग पड़े हैं चपातियाँ बनाने हैं, और ये चपातियाँ यहाँ पे बना ली हमने। तो भाई हमने ना यहाँ पे ये बना ली रोटियाँ सारी, मैंने सेक की और मान जी ने बनाई। तो ये तो है कुत्ते वाली रोटी यहाँ पे, और भाई जला दी मैंने इनकी रोटियाँ सारी, पता नहीं क्या बोलेंगे मुझे। तो ये दो हैं कुत्तों वाली रोटियाँ, बाकी ये हैं सारी आदमी वाली रोटियाँ, बाकी मान जी ने रोटियाँ बनाई। तो मान जी जी हाथ लगे हैं दौड़े यहाँ पे, और यहाँ पे भाई कुकर रख लिया सब्जी गर्म करने के लिए। बड़ी मस्त वाली आग जल रही है यहाँ पे, और मज़ा आ रहा है भाई आग सेकने का। यहाँ पे देखो तुम सब्जी का, हाँ क्या मतलब ग्रीन वेज फ्रेश वेज। तो भाई हमारे सबसे सीनियर वाले मामा जी ना खाना सर्व करने लगे हुए हैं, मतलब बुजुर्गों का बनाया, बुजुर्गों के हाथों का बना हुआ खाना, और बुजुर्ग मतलब खाना सर्व कर रहे हैं। क्या बात है भाई। और ये है आलू और लिंगड़ की सब्जी, उत्तराखंड में इसको क्या कहते हैं, अरे कुछ कहते हैं उत्तराखंड में, मुझे याद नहीं आ रही भाई। लिंगड़ी नहीं भाई, कुछ और कहते हैं, लिंगोड़ा लिंगोड़ा ऐसा कुछ कहते हैं उत्तराखंड से। भाई कोई वीडियो देखते हो तो आप बताना कमेंट में ना। और ये देखो तुम सब्जी यहाँ पे, और ये बकरी का दूध रख दिया उबलने के लिए, ये उबलेगा तो खाएंगे पिएंगे। और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है भाई लिंगड़ की ना, मुंह में पानी आ रहा है लिंगड़ का, ऐसे मतलब क्या ही बताऊं। मामा जी आप लेना था बड़े वाला बर्तन? नहीं नहीं मुझे लेना था छोटे वाला। नहीं कोई बात नहीं, मैं छोटा पसंद करता हूँ ना। नहीं नहीं तो रिज्क पाई अच्छा, चलो रिज्क था कुछ नहीं था ऐसा। तो भाई ना देखो हमारे भेड़ पालक ऐसे बड़े बड़े बर्तनों में, बड़े बड़े डोंगों में खाते हैं खाना, क्या ज़बरदस्त यार। अब मैं भी ऐसा रखूँगा अपने घर पे रूम पे भाई ना, एक बड़ा सा डोंगा, ताकि खाने का कुछ अलग सा फ्लेवर आए। एक ये हमारे मांझी जी हैं, मांझी थोड़ा रहा ठीक नहीं चल रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत होगी, घर भी नहीं जा रहे हैं छुट्टी, और ये लगे हैं खाना खाने। देखो आलू और सब्जी, आलू और लिंगड़ की सब्जी खाएंगे। मांझी इसमें क्या है? मिर्च। हरी मिर्च मत खाया करो, हरी मिर्च सेहत के लिए बड़ी हानिकारक है ये। हरी मिर्च ठीक रहे ठीक रहे ते भी खाओ भाई। भाई कर ले लो मिर्च लेने का। तो भाई डिनर कर लेते हैं हम ना, और उसके बाद मिलते हैं। वैसे देखो तुम यहाँ पे आग जल रही है, और ये अपना डिनर यहाँ पे, और सामने पे वहाँ एक छोटा सा गांव है उसकी लाइटें जल रही है, बाकी सामने पे पहाड़ और आसमान में थोड़े बहुत तारे भी दिख रहे हैं मुझे। यहाँ सामने पे पेड़ हैं वो भी दिख रहे हैं मुझे, बट मेरा कैमरा नहीं दिखाएगा आपको, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बाकी सब बढ़िया है भाई, खा लेते हैं भाई अब। हाँ हमने डिनर कर लिया, मतलब कि खाली कर दिया हमने डबरू को, डबरू कहते हैं इसको। बाकी यहाँ पे भाई बहुत ठंडा ठंडा पानी है पीने के लिए। बाकी ये रोटियाँ थी यहाँ पे, वहाँ पे हमने चूल्हे में ना रोटियाँ गर्म की अंगारों में, और करारी करारी रोटियाँ खाई हमने। ये बकरी का दूध भाई यहाँ पे हमारे सबसे सीनियर मामा जी भी दूध में रोटी मिक्स करके खा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है मतलब ऐसे खाने में। ये देखो ऐसे, और इधर हमारे मामा जी रोटी मिक्स करके दूध में चीनी वगैरह डाल के खा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे खाने में भाई। बकरी का दूध ना काफ़ी मतलब वो होता है, अच्छा होता है सेहत के लिए, गर्म भी होता है बॉडी में ना टेम्परेचर, और वो सब चीज़ें काफ़ी बढ़िया रहती है। बाकी जो हमारे सेल होते हैं बॉडी में, वो सेल अगर थोड़े कम होने लगे तो वो भी बन जाते हैं, डेंगू डांगू के लिए भी अच्छा होता है। तो तब क्या करना, अब ऐसा है भाई। इनके घोड़े भी आ गए भाई यहाँ पास में, देखो यहाँ पे ये है यहाँ पे, और घोड़ी है ये ना, फीमेल घोड़ा है ये, तो इसका नाम है काजल। अब भाई ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, शिल्पा काजल, क्या है करना, कोई और नाम नहीं मिले आपको भाई? हाँ जी जी काजल नाम रखा आपने, का नाम काजल, फिर दूसरी का शिल्पा सेट्टी, दूसरी का हाँ दूसरी का नाम है सुरमी। सुरमी वाह, काजल सुरमी शिल्पा, सुरमा का स्त्रीलिंग हो गया भाई सुरमी ना। तो भाई यहाँ पे हमने अभी डिनर किया, खाना पीना हुआ अपना, हमारे सबसे सीनियर मामा जी, और ओ मां जी देखो वहाँ पे खाना लगे हैं अभी खाने, दिख रहे हैं मां जी? धुआं आ रहा है तो नहीं दिख रहे हैं इतने अच्छे से। ये मां जी भाई देखो यहाँ पे बकरी के दूध के साथ गेहूं की रोटी फुलका चपाती खा रहे हैं,
फुल कलेज रे खांदे मान जी हो रही हो मर्द नहीं है तू। यहाँ पे भाई देखो आग जल रही है ना, और ये हमारे सबसे सीनियर वाले मामा जी यहाँ पे सो गए बिल्कुल चूल्हे के साथ साथ। और भाई नीचे ना उन्होंने एक आधी दो वो बोरी एक ब्लैंकेट जैसे बिछाया हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे एक्स्ट्रा थी तो बिछा लिया, नहीं तो ये नहीं बिछाते। जो कपड़े उन्होंने ओढ़े हुए ना वही थोड़े से नीचे आएंगे, वही थोड़े से ऊपर। और एक बैग रखा हुआ है पिल्लो के लिए। बाकी नीचे देखो कैसे सोएंगे, पूरी रात ऐसे ही सोएंगे। बाकी भाई मामा जी ना उस तरफ को लगे हैं बिस्तर करने। मामा जी बोल रहे हैं आज की ठंडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और ये हमारे मांझी जी हैं यहाँ पे। भाई मांझी का क्या कहना, कुछ भाई ये हमारे मांझी जी ना कुत्तों को लगे हैं रोटी खिलाने। यहाँ पे छोटा सा कुत्ता दिख नहीं रहा है, बिल्कुल ही अंधेरा है यार, क्या कर रहे हैं आप। ये देखो मांझी जा रहे हैं, शिल्पा को बुलाने लगे हुए हैं चोकुती। वो देख ला बात सड़े ने रोटी खाई गया सच है। हां बात रहती कर पाया था दो। बाकी एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। ये हमारे सीनियर मामा जी सो गए यहां पे, परे सोने लगे हैं हमारे मामा जी। और इस वाली जगह पे सोऊंगा भाई मैं, अपना स्लीपिंग बैग निकालूंगा और यहां पे हम सोएंगे टेंट के नीचे। ये टेंट लगा हुआ है इनका। कुत्ते भाई जोर शोर से लगे भौंक रहे ना। एक डॉगी यहाँ पे इनका ना, यहाँ पे एक डॉगी इस तरफ को भौंकने लगा हुआ है। एक डॉगी यहाँ पे है, एक तो ये आ गया छोटा बच्चा। क्या है मांझी जी? भाई मांझी लगे हैं भाई भालू को पकाने। यहाँ पे भालू आ गया है आज। मैं तो बैठा हूँ चूल्हे के पास, मैं नहीं उठूंगा यहाँ से ना। वहां चले गए मांझी जी नीचे। मांझी जी क्या हुआ, भालू आया कि क्या है? कोई पता नहीं लग रहा है। कुत्ता आया ना ये भाई, सबसे छोटे छोटे वाला डॉगी। हाँ भाई क्या है, क्या है कुछ, कोई भालू गुल्लू आया हुआ है? हाँ जुड़ाया ने पार खजी क्या। हाँ अबे पकड़े ने चौ से। हाँ कने फिर जे मर्च को पकड़े ना ये रखिए। हाँ कने वो सब हटिए, कने मैं कने रखिए से झुकिया। हाँ बड़े बड़े पत्थर सट्टे मेरे सर, बड़े बड़े जानी हुए हैं मुंडा पर। रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो बन रही है। बनने नहीं मैं जी बैठा खा है सवा सारी। कितनी सुनसान जगह है भाई ये ना, बहुत ही सुनसान जगह है। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट बिल्कुल बंद कर दी ना। और मांझी है यहाँ जे, और मांझी देखो टॉर्च के साथ यहाँ पे। बाकी बिल्कुल अंधेरा भाई इस एरिया में, बहुत ही अंधेरा है। ये मेरा हाथ आ गया यहाँ पे, फ्लैश लाइट ऑन कर दी मैंने। चलते हैं भाई, तो चलते हैं भाई। ये जा रहे हैं मांझी आगे, यहाँ पे सो जाएंगे अब। तो भाई अपने मांझी जी यहाँ पे लगे हैं सोने ना, रात के 11 बजने लग गए हुए हैं अब। बड़ी खतरनाक जिंदगी है यार इनकी, क्या करना। वहाँ पे मांझी सोएंगे, यहाँ पे हम सोएंगे। यहाँ पे हमारे सबसे सीनियर वाले मामा जी सोए हुए हैं, और उस पल तरफ को परे हमारे मामा जी सोए हुए हैं। तो भाई ना रात के 11:15 बज गए हैं, और मांझी जी सोए हैं कि मोबाइल चला रहे हैं?
चला रहे हैं सही है ना। सही है ना भाई, मां जी ना मोबाइल चलाने मतलब नेट चला रहे होने, कुछ ने इंटरनेट पे देख रहे होने, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूट्यूब, देखो मां जी सोए हुए हैं। मां जी ने भाई ऊन की बनी हुई ना ये वाली, ये एक वो ओढ़ा हुआ है ब्लैंकेट बोलेंगे हम इसको, ऊन का बना हुआ नया लेके आए मां जी। ये 4000 रुपये का, 4 की 5 4 का, 4000 का आया हुआ ये, बट गर्म होता है बहुत बढ़िया, मां जी जी के लिए अच्छा है। और हम सोएंगे अपने स्लीपिंग बैग के अंदर, और वहाँ पे भाई आग जल रही है, यहाँ पे मैं सोऊंगा ना, वहाँ पे आग जल रही है बढ़िया। और इस तरफ को हमारे सबसे सीनियर वाले मामा जी सो गए, तो नींद आ गई हुई है, और इस तरफ को हमारे मामा जी, इन सब ने भाई ऊन के कपड़े, जो ऊन के बने हुए कपड़े ना वो ओढ़ रखे हैं इन्होंने। और हम तो मतलब देसी जुगाड़ वाले बंदे हैं ऐसे, मतलब ये भी इतना अच्छा नहीं है जो मेरा स्लीपिंग बैग है, मतलब देसी है ये, हल्की क्वालिटी वाला। गुड मॉर्निंग भाई इन खूबसूरत से मनाली जी, क्यों पकड़ रहे हैं बकरियों को ले जाओ।